कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता करके पिछले दिनों रीवा के एयरपोर्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के तमाम बातों पर विस्तार से बातचीत करते हुए कई सवाल उठाए। प्रक्रिया है आज इन्होंने जो हवाई एरोड्रोम का उद्घाटन किया, हो सकता है कल और बड़ा एरोड्रोम बने, तो इम्प्रूवमेंट तो एक सतत प्रक्रिया है, ये कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। दूसरी चीज, सिंधिया जी ने को तो वैसे भी देखिए, सिंधिया जी ने करोड़ों हमारे जो प्रदेश के मतदाता हैं उनके जनादेश को उन्होंने विफल किया। सिंधिया जी वो व्यक्ति हैं जो माधवराव सिंधिया के पुत्र हैं। कल उन्होंने बोला माधवराव सिंधिया ने यहाँ रेल की सौगात दी, वाकई माधवराव सिंधिया ने दी। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और कांग्रेस के एक स्तंभ थे। सिंधिया जी ने यहाँ दी, चूंकि कांग्रेस सरकार में वो थे तो उन्होंने रेल की सौगात यहाँ दी। पर हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को ने तो यहाँ मध्य प्रदेश की जनता को छला, वो जनता जिसने कमलनाथ जी की सरकार को निर्वाचित किया, चुना, उसके जनादेश को इन्होंने ले जाके बेच दिया। उस जनादेश को इन्होंने अपनी निजी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ के कारण इन्होंने वो जनादेश का अपमान किया है। इसका सबूत ये बात का है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री हैं और हमने उनको देखा है कि उनको देख के तालियां बजने लगती थी, गड़गड़ाहट होने लगती थी। शिवराज सिंह चौहान की बड़ी लोकप्रियता थी। कल के कार्यक्रम में 3-4 बार बोला गया कि ताली बजाओ भाई, कोई ताली नहीं बजा रहा था, बोल के ताली नहीं बजा रहे थे। इससे दो चीज पता लगती है, एक तो चौहान साहब की लोकप्रियता कितनी घट गई, दूसरा ये पता लगता है कि सिंधिया जी के जनादेश के अपमान को अभी रीवा की जनता ने और प्रदेश की जनता ने नहीं भूला। अभी ये देश प्रदेश की जनता जब तक दोबारा यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बना लेगी, जो उसका जनादेश था, उस जनादेश का अगर परिपालन नहीं कर लेगी, तब तक वो इनको माफ नहीं करेगी।